संभागीय परिवहन प्राधिकरण की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने ओवरलोडिंग रोकने की दिशा में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आरटीओ को देते हुए कहा कि बिना परमिट नवीनीकरण कराए कोई भी ऑटो रिक्शा का संचालन सड़कों पर नहीं होना चाहिए। परमिट समाप्त वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंडलायुक्त ने ओला संचालक को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट से यात्रियों के आवागमन की सुगमता के दृष्टिगत ओला संचालित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑटो रिक्शा जिनकी निर्धारित आयु 7 वर्ष पूर्ण किए जाने के पश्चात किसी प्रकार का परमिट जारी न किया जाए, यदि वाहन स्वामी द्वारा एलपीजी पेट्रोल ऑटो रिक्शा के स्थान पर ऊंचे मॉडल की सीएनजी ऑटो रिक्शा से प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा एलपीजी पेट्रोल चलित ऑटो रिक्शा की एनओसी अन्य संभाग अन्य प्रदेश हेतु प्राप्त कर लिया है अथवा पंजीयन निरस्त कर लिया है। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन गाड़ियों की परमिट अवधि समाप्त हो गई है उसकी सूची पुलिस व जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए ताकि वाहनों का अवैध संचालन न हो सके। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडे, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला सहित मंडल के सभी जनपदों के एआरटीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक का संचालन सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण अनिता सिंह ने किया। मैं बात करूंगा। हाँ जी, मैं दिमाग से निकल गया। हाँ सर, सबको हाँ सर, सही बहुत कर रहे थे टाइम एजेंडा वाइज है सर। सर, संख्या 1 में पिछली बैठक जो 26 जून को सर हुई थी उसमें संभाग के विभिन्न केंद्रों से पर्याप्त संख्या में ऐसे ऑटो रिक्शा का संचालन हो रहा है जिनके परमिट की वैधता समाप्त हो गई है तथा परमिट की नवीनीकरण नहीं कराया गया। सूचीबद्ध कराने के लिए निर्देश के अनुपालन में सर हमने सबको सूची उपलब्ध करा दी गई थी। जिस टाइम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी कराई गई, पुलिस अधीक्षक देवरिया महाराज के कुशीनगर के साथ समस्त एआरटीओ को भी हमने सूची उपलब्ध करा दी गई थी। उसके उपलक्ष्य में सर हमारे यहाँ से 27 जून 2020 से 25 अक्टूबर 2020 तक कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें गोरखपुर ने 140 गाड़ियाँ बंद की थी, महाराजगंज ने 48 और देवरिया ने 37 और कुशीनगर ने 63 वाहनों का सर चालान किया होता है। सर बंद कार्रवाई हुई है सर, कार्रवाई हुई है जब तक आप सीसी नहीं करते। सर सीसी है सर ये, और अभी सर हमने भी चालान में आपसे पेनाल्टी लगा दी सर। संख्या जानी चाहिए ऐसे बहुत ऑटो होंगे जो बिना परमिट के चला रहे हैं या जिनकी अभी पूरी हो गई, ऐसे जाना चाहिए ना। 40 चलिए अच्छी बात है, लेकिन इसको आप बढ़ाइए, बहुत तेजी से बढ़ाइए। हम बात करेंगे आपके आरटीओ के लिए कि 30,000 से 35,000 रुपये तक का ऑटो रिक्शा में चलान है और एक एक ऑटो में ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10-10 चलान किया गया है। अब नतीजा ये आया उसका कि लोग अपना चलान जमा करना छोड़ दिए हैं और गाड़ी का पेपर इसलिए नहीं बन पा रहा है कि सारी गाड़ी में चलान होने के नाते सॉफ्टवेयर कोई परमिट फिटनेस कुछ भी नहीं उठा रहा है।